बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएम न्यूज़। आज डेरा कुल्लेवाल सईदां पर एमएनए सईद फैजुल हसन शाह ने NA-70 में हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने अपनी 2 साल कारकर्दगी में 33 देहात में सुई गैस की मंजूरी करवाई है और आज इसलिए वापडा और सुई गैस डिपार्टमेंट के अफसरान को बुलाकर ये बात कर रहा हूँ, जिसमें इलाके के फोकल पर्सन और ठेकेदार भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह हमारा आइंदा प्लान में लाला मूसा हॉस्पिटल को 15 करोड़ रुपए का इमरजेंसी ब्लॉक देना और NA-70 में 8 स्कूलों को अपग्रेड करवाना है। लाला मूसा और डिंगा में 112 सेंटर का क्याम करवाना है। इंशाल्लाह NA-70 के हर तरक्याती मनसूबे पर हमारी नज़र है, ये सब बहुत जल्द होंगे। रिपोर्ट मलिक मुबशर, GM न्यूज़, लाला मूसा। मेहरबानी फरमाएं तो इसी तरह वापडा के हजरात ग्रामी से ये गुजारिश है कि वापडा का निजाम तो बिगड़ा हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसको बेहतर करना है। आपने पहले भी आपके साथी जो है ना वो अच्छे तरीके से काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो मजीद आपसे गुजारिश है जो भी लोग आते हैं डायरेक्ट आए, सारे लोग जितने भी हैं वो डायरेक्ट आए आपके पास, तो डायरेक्टली लोगों की बात सुने, छोटे मोटे काम जितने हैं लोगों के वो करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। तो आपको इसलिए बुलाया है कि ये गैस का काम जो है ना, ये जहां जहां भी शुरू हो रहा है ठेकेदारान हजरात भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, अपना काम आपने खुद करवाना है ठेकेदारों के पास बैठकर जी, खुद दिखाना है, खुद करवाना है, जैसा आप कहेंगे वैसा ठेकेदारान करेंगे जी, कहीं पे गलत पाइप नहीं डलवाना, अगर को आ जाता है तो वो नहीं डलवाना, मेरी गुजारिश है। ठीक है, ठीक बात। अच्छा, क्योंकि ठेकेदारों का जो प्रोग्राम जो मनसूबा होता है ना, यहाँ काफी और भी ठेकेदार मौजूद हैं हमारे पब्लिक के लोग हैं, ये इस तरह करते हैं ना, जो रेशो हुकूमत बताती है वो नहीं डालते, तो कोई जिम्मेदारी लेता नहीं बनवाने की, साहब को बैठता नहीं, तो उसके नतज क्या निकलते हैं कि 6 माह के बाद वो रास्ता खत्म हो जाता है नहीं? तो ये मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपने साथ मिलकर ठेकेदारान के साथ मिलकर ये काम करवाना है, जहां जहां भी हो रहा है तो आप खुद करवाएंगे, खुद जिम्मेदारी लेंगे, तो इंशाल्लाह ये भी इदारे भी आपके साथ हैं, ये भी जो इनसे कहेंगे आप वो करेंगे, तो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हमारे ये जो पैसे हैं ना, ये कोई मैं इस सिस्टम को पसंद नहीं करता, मैं ये समझता हूँ कि हमें ये फंड्स जो है ना MP MNH के, ये इदारों बल्दियाती इदारों को दे देने चाहिए, इदारे जाने और काम जाने है जी, हमारी जिम्मेदारी है जो मेम्बरान सूबाई या कौमी असम्बली है इनकी चेक एंड बैलेंस में होनी चाहिए, बस ये देखे कि काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, बस अगर गलत हो रहा है तो उसे रोके, ये फंड जो है ना ये जाने चाहिए बल्दियाती इदारों को, इंशाल्लाह मेरा ख्याल अप्रैल में होंगे, और ये हमारे पास जो फंड है ये डायरेक्टली हम बल्दियात को दे देंगे और बल्दियाती इदारे काम करेंगे, हम भी सर्विस करेंगे इन सब लोगों के साथ, है जी।